गंदा पानी जो है, चूंकि वो सोर्स है कई किस्म के जरासीम का, और उसमें शामिल जो कसाफ़ते हैं वो अंदर जाके हमारे मेदे, जिगर, यहाँ तक के गुर्दों के लिए भी बायस बन सकती हैं बीमारियों का। तो गंदे पानी के साथ ज़ाहिर है कॉलरा अटैच्ड है, उसके साथ हैज़ा, डायरिया, डिसेंट्री, पेचिश जिसे हम कहते हैं, वो भी उसके साथ अटैच्ड है। तो ये तो पेट के अमराज हो गए, लेकिन जो हैवी मेटल्स होती हैं गंदे पानी के अंदर, जो हमें नहीं पता होती हैं, जो ज़मीन के अंदर से उसमें शामिल हो रही होती हैं, वो जो हैवी मेटल्स होती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता फिर जिगर के अमराज, जिनमें हेपेटाइटिस भी आता है, उसका भी मतलब वजह बनती हैं। और आगे जाके कोई 5, 10, 15 साल के बाद जाके ये गंदा पानी, जिसमें कई कसाफ़तें शामिल हैं जरासीम के अलावा, वो गुर्दों के अमराज का बायस भी बन सकता है। और आपका पानी इसलिए भी साफ़ नहीं है कि पाकिस्तान में ज़्यादातर पानी लोग बोरिंग से निकालते हैं, लेकिन साथ ही कूड़े का ढेर पड़ा होता है। बारिश के थ्रू, बारिश की वजह से पानी के साथ ना सिर्फ वो फ्रेश वाटर स्ट्रीम यानी कि नदी नालों में, बल्कि वाटर टेबल के अंदर भी वही पानी जो है वो जाता है, अपने साथ बैक्टीरिया को, बहुत से केमिकल्स को लेके जाता है। अब आप यहाँ कहेंगे कि जी मिट्टी तो फिल्टर है, अल्लाह ताला ने मिट्टी को फिल्टर बनाया है, वो साफ़ करता है पानी। दुरुस्त कह रहे हैं, ये बात तब तक ठीक थी जब तक आबादी का इतना प्रेशर नहीं था, प्लस वेस्ट के ऊपर लोड इतना नहीं था। आपका कंटेमिनेटेड जो आपके घर से गंद निकल रहा है उसका लोड बहुत ज़्यादा है, मिट्टी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो उसको फिल्टर आउट कर सके। तो ये वो तमाम मसाइल हैं जिसका सामना हम जैसे तरक्की पजीर लोग कर रहे हैं। अगर आप बात करते हैं अपने मुकाबले में USA की, या बात करते हैं UK की, या इंग्लैंड की बात करते हैं, या इवन ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, तो वहाँ पे हज़ारों की तादाद में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम लगे हुए हैं, प्लांट्स लगे हुए हैं, जहाँ पानी को साफ करके नदी नालों में और दरियाओं में फेंका जाता है। उसके कंपैरिजन में आप अपने घर को देखें, अपने मुल्क को देखें, तो हमारे यहाँ नालियाँ घरों से सीधा पानी ले जाकर एक ख़ास गटर के थ्रू, वो आप कहीं ना कहीं वो किसी फ्रेश वाटर नाले के साथ मिल रही होंगी, वो फ्रेश वाटर का नाला भी शॉपिंग बैग से और मिट्टी से अटा हुआ होगा। और मैक्सिमम हम क्या कर लेते हैं, हम अंदर से गंद उठा के बाहर डाल देते हैं सड़कों पे, वो 4 दिन बाद फिर हवा के ज़रिए लोगों के मुँह में जाता है, लोगों के कपड़ों को गंदा करता है, उनको ये जो हमारे यहाँ सांस के मसाइल चल रहे हैं उसके साथ साथ उसी वेस्ट के साथ ही हमने खाने का ढाबा लगा रखा है। तो ये वो तमाम बातें हैं जिसमें पानी के थ्रू बीमारियाँ आपके पेट तक पहुँचती हैं, और आपके जो हॉस्पिटल के बेड्स हैं वो 70% पाकिस्तान के अंदर 70% से ज़्यादा जो हॉस्पिटल के बेड्स हैं वो उन लोगों से भरे हुए हैं जो किसी ना किसी तरीके से पानी से होने वाली बीमारियाँ, पेट का दर्द, क्रैम्प्स, डायरिया, इन बीमारियों का शिकार हैं। पानी की जो एक रिक्वायरमेंट है इंसान के जिस्म की, वो 3 लीटर रोज़ाना है, यानी तकरीबन 10 से 12 ग्लास हमें रोज़ाना पीना चाहिए। तो हमारे जो खून में कसाफ़तें जो जाके बैठती हैं गुर्दे और जिगर में, वो जिस्म में जमा नहीं रहती, बल्कि पेशाब के ज़रिए वो खारिज हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन अगर फ़र्ज़ कीजिए कोई ऐसी जगह है जहाँ पर कुछ पानी की कमी है और पानी की किल्लत है, तो फिर उसमें ये हो सकता है कि अगर हम अपनी खुराकों में वो सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करें, जैसे खीरे हैं, प्याज है, टमाटर है, सलाद का पत्ता है, अगर हम इन सब्ज़ियों का इस्तेमाल रखेंगे तो इन सब्ज़ियों में भी पानी की मकदार काफ़ी ज़्यादा होती है। तो वो इंसान अगर 6-8 ग्लास पानी पे भी रहेगा तो उसको बीमारी नहीं बनेगी फिर गुर्दे की, और उसका गुजारा फिर हो ही जाएगा ना। ये कह देना कि पानी गंदा है, ये सोल्यूशन नहीं है उस मसले का। सोल्यूशन ये है कि आप उसको साफ़ करने का तरीका भी आप बताएं। तरीके हमारे पास मौजूद है, ऑब्वियसली साइंस जो है वो कभी भी रुकी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर उन तरीकों का जो इम्प्लीमेंटेशन थी या उसका रिवाज पाना, ये बहुत कम था। लोगों को पता ही नहीं था कि हमारे पानी के अंदर क्या जा रहा था। तो जब मैंने ये काम शुरू किया, तो तब जब हमने लोगों के साथ अपने व्यू पॉइंट शेयर किए, उनके साथ अपने वाटर क्वालिटी स्टेटस को शेयर करना शुरू किया,
तब लोगों को पता लगा कि वो जो पानी पी रहे थे वो इंतहाई गंदा था, हर तरह के जरासीम से आलूदा, हर तरह के केमिकल से आलूदा था। फिर हमने सेकंड स्टेप में पानी की सफाई की तरफ जो है, या पानी की उर्दू में हम सफाई कहेंगे, लेकिन ट्रीटमेंट दी प्रोसेसेस, वो तमाम तरीक़ाकार जिसमें पानी को साफ़ किया जाता है। और साफ़ कैसे किया जाता है, उसको एक ख़ास स्टैंडर्ड के तहत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वो अपने स्टैंडर्ड देती है कि आपके पानी में ये केमिकल इतनी अमाउंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो आपने मीट करना होता है। तो हमने थोड़ा थोड़ा ट्राई करना शुरू किया कि हम किसी हद तक जो WHO या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट करें। पानी के हवाले से, चूँकि आपको पता है कि पानी का हमारे मुल्क में भी, बल्कि दुनिया में पानी की कमी तो वाकया हो रही है ना, क्योंकि हम पानी ज़ाया भी बहुत करते हैं। तो मेरा ये तजुर्बा है कि कोई आज से कोई तकरीबन 15 साल पहले मैं हमजा फैमिली के साथ गई, तो मेरा असूल था कि जब भी मैं नॉर्दर्न एरियाज़ में जाती थी तो वहाँ एक मेडिकल कैंप लगाया करती थी। तो वहाँ मैंने तकरीबन 200 मरीज़ देखे, और जितने मैंने मरीज़ देखे वो मरीज़ जो थे वो पेट के अमराज का शिकार थे। उन वर्म्स, कीड़े, पेट में कीड़े बहुत थे उनके, और पेट उनके फूले हुए थे, पेट उनके ख़राब रहते थे। तो जब हमने वहाँ ट्रेस किया, जो वहाँ पे कुछ हमें डॉक्टर्स भी मिले और कुछ पब्लिक सर्विस के लोग वहाँ बैठे हुए थे, ये जो NGOs वगैरह होती हैं, तो उन्होंने फिर उनके पानी के बारे में बताया था कि जी ये पानी इनका साफ़ नहीं है। तो उनको ज़ाहिर है मैंने पहला मशवरा तो ये दिया कि भाई आप लोग जितना भी पानी पीते हैं उसको उबाल के पिए ना। तो उनमें से चंद ने कहा कि जी पानी तो है ही नहीं यहाँ, आग भी मसला है, हमारे पास गरीबी है। फिर उनको मैंने कहा कि पतला कपड़ा ले लो, जितना पतला आप अफोर्ड कर सकते हो, मलमल या वायल का, और उसकी 4 तहें लगा लो, वो एक फ़िल्टर बन जाएगा ना। 4 तहें लगा के तो पानी को उसमें से छान के, उसको फ़िल्टर करके या पानी छान के अगर इस्तेमाल कर लोगे तो वो भी पानी सेफ़ हो जाएगा। हमने आम जो वेस्ट है, यानी कि हम अगर आपसे कहें कि दरख्तों की छालों को जलाकर हमने एक्टिवेटेड कार्बन बना के, तो हमने पानी को साफ़ करने का जो मेथड है, प्लस क्लोरीन ऐड हमने की थी, तो हमने एक कम्युनिटी को वहाँ पे टारगेट किया था जिसको साफ़ पानी हमने पहुँचाया। इसी बेस में हमारा वही प्रोजेक्ट जो है वो सेकंड फेज़ के लिए भी सिलेक्टेड है, जो कि अनकरीब विद इन 2 to 3 months हमें उसके लिए भी UK फंडिंग जो है वहाँ से मिल जाएगी। इसी काम को देखते हुए यूनेस्को ने हमें फ़ंड किया टू मेक द फिल्टर्स फॉर द कम्युनिटी, आम आदमी के लिए फ़िल्टर बनाने के लिए यूनेस्को ने हमें फंडिंग की थी, और हम उसी के तहत में आम आदमी के लिए फ़िल्टर बना के डेवलपिंग जो कम्युनिटीज़ हैं या आम आदमी जो है जो मे बी साफ़ पानी अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके लिए हम फ़िल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं उनके घरों के अंदर, ताकि आम आदमी साफ़ पानी पी सके। और वो जो बर्डन पड़ रहा है हर साल उसकी जेब पर, और उसकी वजह से हुकूमत के ऊपर, हुकूमत के हॉस्पिटल्स के ऊपर, उसमें किसी हद तक कमी लाई जा सके।